नमस्कार साथियों, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। करोड़ों का माल जब्त किया गया है। सरकारी विभाग योजना भवन में करोड़ों रुपये की नकदी और सोना मिलने की घटना में सनसनी फैला दी है। योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारियों में 2000 और 5500 के नोट जब्त किए गए हैं। करीब 2 करोड़ से ज़्यादा नोटें बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, जिसमें 1 किलो सोना से ज़्यादा भी सोना बरामद किया गया है। विभाग की अलमारी में मिली बड़ी रकम के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव उषमा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, एडीजी दिनेश, एम्स जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित पुलिस के अलावा अधिकारियों ने देर रात इनकी जानकारी की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 से ज़्यादा विभाग से जुड़े लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की फाइलों को ऑनलाइन करने का काम चल रहा था, इसलिए सभी पुरानी फाइलों को अलमारी से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो रही थी। इसी दौरान योजना भवन के बेसमेंट में खरीदे 2 अलमारी खोला गया। इनमें 100 फाइलें निकली, दूसरे में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपये बरामद किए गए हैं। जी हाँ साथियों।